देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राष्ट्रपति जी ने किया साइलेंस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन। In our mind, but we have to find it out. That is only that light is shown by the Brahma Kumaris Association. I really thank them because in my busy schedule, I don't know how I was able to be here for such a long time. Because whenever we come to this campus, the peace occupies our mind, so automatically it makes us to sit here. So each and everyone who come to this campus and associated with our DDGs, definitely they have a peace of mind. अभी आप सुन रहे थे तेलंगाना की राज्यपाल तमेली से सौंदर राजन जी को, जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के कैंपस में आते ही पीस ऑफ माइंड की अनुभूति होती है। मौका था तेलंगाना में यदाद्री भुवनगरी जिले के बीबी नगर मंडल स्थित महादेवपुर में बने नव निर्मित साइलेंस रिट्रीट सेंटर के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का। रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन मुख्यालय से माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बटन दबाकर वर्चुअली किया। हैदराबाद में स्थित मानवता की सेवा के लिए समर्पित ब्रह्मा कुमारी साइलेंस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि ये साइलेंस रिट्रीट सेंटर आध्यात्म के माध्यम से हैदराबाद और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक उत्थान में सहायक हो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, हैदराबाद शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, साइलेंस रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके सुनीता और बीके राजू, महाराष्ट्र उल्लास नगर की प्रभारी बीके सोम, मीडिया प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सरला समेत कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट व अन्य कई वरिष्ठ बीके सदस्य भी उपस्थित थे। सबको बहुत बहुत कोटि कोटि पदम गुणा, मुबारक मुबारक मुबारक, और खूब वृद्धि को प्राप्त करें और खूब शक्तिशाली वातावरण बनाए जो ये स्थान लाइट हाउस बन करके इमर्ज हो। इस रिट्रीट सेंटर का जो उद्घाटन हुआ बहुत शुभ है और अव्यक्त मास में हम सब यहाँ बैठकर तपस्या करेंगे। अवश्य बाबा भी हम बच्चों पर वरदानों की वर्षा करेंगे और हम अपनी स्वस्थिति से सारे विश्व का परिवर्तन भी करेंगे। आज के इस शुभ दिवस पर रूरल विंग की तरफ से, मैसाना सब जोन की तरफ से, सभी भाई बहनों की ओर से हमारी राजुल बहन, सुनीता बहन को बहुत 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 शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देती हूँ। जिस लक्ष्य से बनाया है उस लक्ष्य की सिद्धि अवश्य प्राप्त हुई ही पड़ी है। आपको बता दें कि इस रिट्रीट सेंटर में ज्ञान ध्यान करने एवं सदस्यों के रहने का आवास व डाइनिंग हॉल तथा नए लोगों के लिए राजयोग मेडिटेशन कोर्स रूम और आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है, जो इसे भविष्य ईश्वरीय सेवाओं का लाइट हाउस बनाएगा। कार्यक्रम में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांधा तो वहीं दीप प्रज्वलन और केक कटिंग कर विधिवत उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ। शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर का भी राष्ट्रपति जी के कर कमलों से आगाज। साइलेंस रिट्रीट सेंटर की तरह मध्य प्रदेश इंदौर में बने शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर के सद्भावना ऑडिटोरियम और शिव दर्शन आर्ट गैलरी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वर्चुअल उद्घाटन मुख्यालय से किया, जिसके पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में भविष्य सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। इंदौर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम, स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी और साधना कुटीर का शिलान्यास करके मुझे प्रसन्नता हुई है। मुझे विश्वास है कि
इन सुविधाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर इन केंद्रों पर आने वाले लोगों को सहूलियत होगी। इंदौर में इसी संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में सांसद शंकर लालवानी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने संस्था के कार्यों को सराहा। इंदौर जोन के सब जोन प्रभारी बीके आरती ने अपने आशीर्वचनों से सभा को लाभान्वित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आसपास के गाँव के लोग मौजूद थे। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में सद्भावना ऑडिटोरियम और आर्ट गैलरी का जो शुभारंभ हो रहा है, ये इस क्षेत्र के लिए एक नई प्रकाश की किरण लेके आया है, क्योंकि इस क्षेत्र में इतना बड़ा सेंटर आसपास कहीं नहीं था और इसके बन जाने से यहाँ लाखों लोगों को इसका जो लाभ मिलेगा, उसके लिए सांसद होने के नाते, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि मैं ब्रह्म कुमारी के किसी कार्यक्रम में पहली बार आना हुआ। मेरा संगठन का काम, संगठन में जो समाज में बदलाव दिखता है जिसके कारण, उससे तो परिचित हूं मैं। हाँ, महिम जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर और वहाँ से ही माउंट आबू से यहाँ का शिलान्यास करेंगी, जो आप सब भाई बहन भी यहाँ पर देखेंगे। आपको बता दें कि संपूर्ण निर्माण का कार्य होने के बाद एक साथ 800 लोगों के रहने की व्यवस्था रहेगी। सद्भावना ऑडिटोरियम में एक साथ 2000 लोग बैठकर कार्यक्रमों का लाभ ले सकेंगे। ओपन ऑडिटोरियम में एक साथ 5000 लोग बैठ सकेंगे। इसमें मेगा इवेंट आयोजित किए जाएंगे, साथ ही समय प्रति समय यहाँ आध्यात्मिक उत्थान के कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। सेवा केंद्र पहुँचे सूबे के राज्यपाल। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे मेरा भारत स्वस्थ भारत राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का भोपाल के नीलबर्ट स्थित सुख शांति भवन में शुभारंभ हुआ। इस प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पहुंचकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। उन्होंने संस्था द्वारा भारत को नशा मुक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्य भगवान की प्रेरणा से ही पूर्ण हो सकते हैं। संस्था द्वारा उन्नत और विकसित भारत निर्माण में कार्यक्रम मेरा भारत स्वस्थ भारत राष्ट्रीय अभियान विगत कई वर्षों से बताया जा रहा है। इसी दिशा में मेरा मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ आज किया जा रहा है। यहाँ जो बताया गया मेडिटेशन से कई काम अभी तक किए हैं। उन्होंने बताया कि मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, 15 मिनट में कह सकता हूँ, मगर आप जो गांव में व्यसन मुक्त हुए हैं, वहाँ कोई भी जाएगा तो ये 25 साल की जो सफलता है ना, वो समाज में दिखाई दिया। अभी बताया ना कि आदिवासी के एरिया में जाकर छोटी छोटी बच्चे व्यसन मुक्त कराती है, तो काम क्या है, ये भगवान का दिया हुआ काम है और वो आप कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि समाज सुधारने के लिए, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा और देश सुधरेगा तो विश्व गुरु कहलाएगा। यही करने की जरूरत है, वो आप कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार, भारत माता की जय। इस दौरान मुख्यालय माउंट आबू से आए ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कैसे बनाया जा सकता है, इस विषय पर अपने विचार रखे। वहीं बीके डॉक्टर सचिन परब ने व्यसन मुक्ति के क्षेत्र में संस्था द्वारा 25 वर्षों से किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश ने अतिथियों का शब्दों द्वारा स्वागत करके किया, तो वहीं सुख शांति भवन की डायरेक्टर बीके नीता ने सभी का आभार माना। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने का कैसे कर सकते हैं,
फर्स्ट वीक में ग्वालियर में था, वहाँ एक सप्ताह का हमने अभियान निकाला, इतना अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे हिम्मत आई कि सचमुच मैं मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कर सकता हूँ। हमारे भ्राता श्री गवर्नर साहब पधारे हैं, मैं उनके लिए स्पेशल आशीर्वाद दे रही हूँ कि आपके पावरफुल संकल्पों से हम भारत में नंबर वन मध्य प्रदेश को, भोपाल को व्यसन मुक्त और स्वस्थ बनाकर दिखाएंगे, यही मेरा दृढ़ संकल्प है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।